सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जहूराबाद विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार वो यहाँ से विधायक बने थे, लेकिन पिछली बार वो NDA गठबंधन में थे, मतलब BJP का सारा वोट उन्हें पड़ा था, मोदी वेव थी और उनको 8 सीटें मिली थी गठबंधन में, उसमें से 4 उन्होंने जीत ली थी, एक जहूराबाद की भी थी। इस बार वो फिर से जहूराबाद लड़ रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है इस बार BJP, BSP और AIMIM सब ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जहाँ BJP ने उन्हीं की जाति के कालीचरण राजभर को टिकट दिया है और कालीचरण राजभर की अच्छी खासी पकड़ है और ऐसा माना जा रहा है कि कम से कम 30% राजभर वोट तो कालीचरण राजभर ले उड़ेंगे OP राजभर के बावजूद। इसके अलावा जो कैंडिडेट BSP ने उतारी हैं वो शादाब फातिमा है। शादाब फातिमा इसी सीट से लड़ने वाली थी, जब गठबंधन हुआ था तो शिवपाल यादव उनको इसी सीट से लड़ाना चाहते थे, लेकिन अंत में शिवपाल यादव अकेले ही लड़ पा रहे हैं और उनके साथ के किसी को भी टिकट नहीं मिला है समाजवादी पार्टी से, और यही कारण है शादाब फातिमा नाराज़ हुई, शादाब फातिमा चली गई बसपा में, बसपा से टिकट ले आई। अगर कहा जाता है कि इस विधानसभा में अगर किसी ने काम किया है तो वो शादाब फातिमा ने किया है। OP राजभर विधायक तो रहे, लेकिन उनके खिलाफ थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी है, जैसे विधायक के खिलाफ होती है, वहीं शादाब फातिमा काफ़ी पॉपुलर है हिंदुओं से लेकर मुस्लिमों तक में, और माना जा रहा है कि शादाब फातिमा ना सिर्फ मुस्लिम वोट काटेंगी बल्कि हिंदू वोट भी काटेंगी, क्योंकि वो एक पॉपुलर चेहरा है इस विधानसभा का। ऐसे में उनकी मुश्किलें बड़ी ही थी कि और मुश्किलें बढ़ाने के लिए AIMIM भी आ गई। AIMIM बदला लेना चाहती है कि राजभर ने गठबंधन तोड़ दिया उनसे और अखिलेश यादव के साथ चले गए, उन्होंने भी कैंडिडेट उतार दिया। वैसे तो AIMIM का कैंडिडेट ज़्यादा प्रभाव नहीं डालेगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा दिक्कत राजभर जी को आने वाली है वो दो लोगों से, पहली हैं शादाब फातिमा, दूसरे हैं कालीचरण राजभर। ऐसा माना जा रहा है कि बहुत से BJP वोटर्स को जो OP राजभर को पसंद नहीं करते इस विधानसभा में, उनको लग रहा है शादाब फातिमा एक मजबूत विकल्प है OP राजभर के सामने, ऐसे में वो अपना वोट भी शादाब फातिमा को दे सकते हैं OP राजभर को हराने के लिए। जाहिर सी बात है अगर जातीय समीकरण देखें तो ये सीट सेफ लगती है OP राजभर जी के लिए, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम प्लस यादव प्लस राजभर लगभग 50% हो जाता है। लेकिन अब एक दिक्कत वाली बात ये हो जाती है कि सामने शादाब फातिमा भी हैं, सामने कालीचरण राजभर भी हैं, तो ये जो जातीय समीकरण है अगर ये वोट में नहीं बदलते हैं तो OP राजभर के लिए काफ़ी दिक्कत वाली बात होने जा रही है। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि बसपा भी राजभर से बदला लेना चाहती है, भाजपा भी राजभर से बदला लेना चाहती है, और तो और AIMIM भी राजभर से बदला लेना चाहती है। वैसे ओवरऑल सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी 18 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें से 6 कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के हैं, 12 पर इनके कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार NDA से गठबंधन था, NDA की हवा थी, तब सबसे ख़राब स्ट्राइक रेट रहा था इस पार्टी का। अब देखने वाली बात होगी, जब अखिलेश यादव की ऐसी कोई हवा नहीं है, बस ऐसा माना जा रहा है वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, हवा तो नहीं है, तो ऐसे में वो उनकी पार्टी कितने विधायक बनवा पाएगी। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।